ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं, जिसमें एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग इस पर चिल्ला रहे हैं। दरअसल महिला ने जो सूट पहना है उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा है, जिसे कुछ कट्टरपंथियों ने कुरान की आयत बताकर ईश निंदा का आरोप लगाया। इस्लाम का मजाक है। महिला अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में आई थी जब ये घटना हुई। महिला अपने पति से चिपकी हुई दिख रही है। इस पूरी घटना की खबर जब लाहौर पुलिस की एएसपी शहरबानो नकवी को लगी तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने तीन पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एएसपी ने महिला को पहले बुर्का पहनाया और फिर जैसे तैसे वहाँ पर मौजूद कट्टरपंथियों की भीड़ को समझा कर महिला को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला। इसके बाद महिला को एएसपी थाने लेकर आई। इसके बाद इलाके के मौलवियों को थाने में बुलाया गया और उनसे महिला को माफ करने को कहा गया। महिला ने यह भी बताया कि उसे नहीं मालूम था कि उसके सूट पर क्या लिखा हुआ है, जिसकी वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। मैं एक्स्ट्रा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। ये जो भी हुआ ये लाइलमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान का ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। ये पूरी घटना पाकिस्तान की छवि पर एक और बदनुमा दाग है। अगर इस मामले में एएसपी ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो कट्टरपंथियों की भीड़ उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।